अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह ऑफिस आ गया था तो सुबह ऑफिस में व्लॉग बनाया नहीं, अब व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी एक काम है, ये गाड़ी है करोला जिसमें मैं बैठा हूँ, इसकी अलाइनमेंट आउट है थोड़ी सी, गाड़ी टायर ख़राब कर रही है तो इसकी अलाइनमेंट कराते हैं अभी जाके। और कहाँ से कराते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। ये करोला हमारी गाड़ी ग्रैंडी है 1.8, तो इसको अभी मैं लेके जा रहा हूँ शारा फैसल पे, हैस्कोल का पंप है पीएफ म्यूज़ियम पे, वहाँ से कराएंगे। वहाँ के मैनेजर जो हैं वो भी दोस्त हैं अपने, और जो लड़का काम करने वाला वो भी दोस्त है, उसको बोलेंगे अच्छी सी अलाइनमेंट कर दे, क्योंकि ये हमारे साहब की गाड़ी है ब्रिगेडियर साहब की, तो अच्छी सी अलाइनमेंट करा के लाते हैं। दो बार इसकी अलाइनमेंट कराई है, पहले अलाइनमेंट सेट नहीं थी, अब दोबारा कराने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं शहर फैसल पे, आपको मैंने बताया था गाड़ी की अलाइनमेंट कराने। अभी पंप आएगा आपके, अच्छा सीधे हाथ पे, अभी हम उल्टे हाथ पे गाड़ी चला रहे हैं, सीधे हाथ पे पंप पे आगे से घूम के आते हैं। अच्छा अच्छा, वो नड़िया अच्छा, चलो मेरी तरफ कहना तारीख और मेरी तरफ सलाम दे होगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। किसका इंतकाल हो गया? वो मेरी भतीजी लगती है, उसके शोर का। अच्छा, एटीएम है जी, कुत्ता खोरी के बटा बटा के फिर मेरे एक दिन थकी हुई। ये स्कूल का पंप आ गया है सीधे हाथ पे, अब आगे से घूम के आते हैं, यहाँ अलाइनमेंट कराएंगे। ये रहा पंप, और ये अलाइनमेंट की शॉप है इनकी, अब घूम के आते हैं आगे टिग रोड से। भाई हमारे साथ बैड लग हो गई है, हैस्कोल के पंप पे पहुँचे तो उनकी मशीन ख़राब थी, अब उन्होंने बोला आप सुबह आ जाएं। इतनी लंबी खौरी काटने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस। अभी हम उस रोड पे थे, अब इस रोड पे आ चुके हैं, अब जा रहे हैं वापस ऑफिस। ये होती है हमारे साथ बैड लग हैं, अभी ऑफिस पहुँचते हैं। ऑफिस से छुट्टी हो गई है, अब मैं जा रहा हूँ वाइफ को लेने के लिए, वाइफ को लेते हैं फिर घर चलते हैं। घर चल के देखते हैं क्या आज बन रहा है घर में और क्या होता है। तो अभी ये रास्ते से जाता हूँ मैं डेली, आप लोगों को तो पता ही है इसी रास्ते से जाता हूँ। आज तो यहाँ पानी पड़ा हुआ है सारा, पता नहीं गटर उबल गया क्या उबल गया। तो वाइफ को लेते हैं फिर घर चलते हैं, चलो। ये वाइफ का ऑफिस है, यहाँ बैठे हुए अभी चलते हैं घर। ऑफिस से घर पहुँच गया हूँ, बाइक में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था, आज क्वारी हो गई। मैं और वाइफ थोड़ा पैदल चले हैं 1 किलोमीटर कम से कम। एयरपोर्ट के पीछे वाले रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हुआ और हैस्कोल के पंप से पेट्रोल डलवाया है ये सोसाइटी के पास जो है। अभी थक गया हूँ और पसीना पसीना हो गया था सारा, अभी लेटा हूँ घर पे, अभी उठता हूँ फ्रेश वगैरह होता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ये मेरा दोस्त का रक्षा है फरहान का, ये खड़ा है, इसको किसी ने रेस दी है, रेस की सारी तार वार सब निकल गई, अब ये लगाते हैं फिर इसका रक्षा सेट करते हैं। मैकेनिक जो है हम लगा के देते हैं, और ये हमारा भाई है, इसके लिए तो करना भी पड़ेगा हमारे लिए, तो अभी इसको लगाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। रक्षे का काम कर दिया है भाई, स्लाइड बिठा दी है, अब काम कर रही है ये रेस, अब सिलेंडर वगैरह इसका लगाते हैं। चल भाई आ जा। सिलेंडर भी लगा दिए, और गैस भी खोल दी है, अब स्टार्ट करते हैं। वजीर देख गियर में तो नहीं है,
नहीं। ओके हो गया भाई, सीट वगैरह सब लगा दी है। ये फरहान का रक्षा है तो अभी ये सवारियां लगाएगा, तो अभी उतरते हैं इसके रक्षे से। रक्षा सेट हो गया बिल्कुल। नीचे बैठे बैठे थक गया था, प्यास भी लग रही थी बहुत। अब ऊपर जा रहा हूँ घर पे चलते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, अपने कमरे में जाके लेटते हैं। गेट खोलने कौन आ रहा है? बेगम साहब आ रही हैं गेट खोलने के लिए। ये आ गई, पानी पिलाना। अब अपने कमरे में चल के लेटते हैं। रूम कूलर में पानी ख़त्म हो गया है, अब ये कोमल भर रही है। वो देखें आपको नीचे वाइट वाइट लाइन नज़र आ रही होगी, ऐसा ऐसा पानी ऊपर आ रहा है, बिल्कुल खाली चल रहा है। और वो देखें वो भर रही है कूलर, और इसको इतना दम निकल रहा है ना इसका इस टाइम कूलर भरते हुए। और बैठेगी अभी इसी के अंदर ही टीवी देखने के लिए। ये डाल रही है ऊपर से पानी, कमल बर्फ़ भी डाल देते हैं, यख ठंडा हो जाएगा। नीलों की दूरियां दग दग दिल बोले मेरा छम छम मेरी चूड़ियां, हायो रब्बा हायो रब्बा प्यार गिया मजबूरियां। अब खाने का वेट करते हैं। खाने में आज है मसूर की दाल और कबाब। अभी रोटी मंगाते हैं फरहान से, फिर खाने के बाद आपसे मिलते हैं। खाना हमने खा लिया है, ये रूम कूलर अब्बू के लिए लगा दिया है मैंने। अपने कमरे का एसी चला लिया है, थोड़ा सा कमरा ठंडा होता है तो फिर अंदर चलते हैं। आज के ब्लॉग को दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी इमानिल्लाह।